Hello, my dear friends, my dear audience, my dear viewers, students, and fans of English language. This is MS Ayumi, and you're watching Smart Professional Educator. All of you, welcome to Smart Professional Educator. Dear friends, in daily conversations, in talking and with gossip with people, we do a lot of things. We speak a lot of sentences. We speak and say so many things whenever we do talk with each other. Dear friends, ki Allah subhanahu wa ta'ala ne hame bahut sare behtareen beshqeemat ne'maton se nawaza hai. There are more and much valuable blessings of Allah subhanahu wa ta'ala on us. He bestowed us with very valuable blessings. We are very grateful and thankful to Allah subhanahu wa ta'ala for them. But out of them, what is speaking? What is conveying our messages to the listeners, to others? So dear friends, unme se ek zaban bhi hai, speaking bhi hai. Sometimes hum kehte hai na ke जो ही देखिए ना लफ्ज जो ही एक ऐसा लफ्ज है जो हम अपने अपने लैंग्वेज में इन आवर ओन लैंग्वेजेस नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज बट इन आवर ओन लैंग्वेजेस वी डू यूज वर्ड जो ही फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना जो ही वो घर पहुंच गया सब खुश हो गए जो ही तूबा यहां आ पहुंची मुझे दिली सुकून मिला जो ही टीचर क्लास में अंदर दाखिल हुआ सारे बच्चे खामोश हो गए जो ही का लफ्ज हम यूज कर रहे होते हैं फ्रेंड्स हम टू वर्ड्स यूज करते हैं जो ही के मानों में इन इंग्लिश लैंग्वेज एक हमारे साथ है एज सून एज और दूसरा हम यूज करते हैं नो सोनर डेट तो अब आइए कहां पे हम यूज कर सकते हैं एज सून एज और किस तरह हम यूज करेंगे नो सोनर डेट तो जहां भी हम अपनी बातों में अपने जुमलों में जो ही का लफ्ज यूज करेंगे तो उसके मानों के लिए हम एज सून एज यूज करेंगे आगे जुमले को देखेंगे कि उसकी वर्ब की हालत क्या है वर्ब कौन से जमाने का है वर्ब कौन से टेंस का है उसी के मुताबिक आप ऑक्सिलरी और वर्ब को यूज करेंगे इसके अलावा हम बस इसमें ऐसा और ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है जस्ट यूज एज सून एज जो ही के मानों के लिए बट समटाइम हम एज सून एज की बजाय मतलब हम या ये वर्ड यूज करेंगे या नो सूनर डेट एज सून एज यूज करो और एज सून एज की जगह आप नो सूनर डेट भी यूज कर सकते हैं लेकिन यहां पर आपको एक बात बता दूं जहां हम एज सून एज यूज करते हैं तो वहां पर हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब अमूमन यूज करते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एज सून एज के साथ हम यूज करते हैं और लेकिन अगर आप नो सूनर डेट यूज करेंगे तो यहां पर ये एक चीज नोट कीजिएगा डेट वाला लफ्ज यूज किया गया है डू की जगह डेट यूज की है हमने सो डू डिड डिड लफ्ज जो है ये डू का सेकंड फॉर्म है ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म हम यूज कर गए नो सूनर डिड तो आगे जो जुमले में हमारे साथ फिर एक वर्ब आने वाला है उस वर्ब को हम फर्स्ट फॉर्म की शक्ल में यूज करेंगे वी विल यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ दैट वर्ब पहले वाली एज सून एज के साथ हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं जबकि नो सूनर डिड में ऑलरेडी डिड सेकंड फॉर्म यूज हुआ इसलिए आने वाला वर्ब फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे चंद एग्जांपल्स हो जाएंगे आप अच्छी तरह समझ पाएंगे कि किस तरह हम एज सून एज और नो सूनर डिड को यूज कर सकते हैं आइए चंद एग्जांपल्स करते हैं जो ही तूबा यहां आ पहुंची तो मुझे इत्मीनान हो गया अब डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा गौर करते हैं इसी जुमले पे जो ही के मानों के लिए हम एज सून एज एक बार यूज करेंगे दूसरी बार फिर मैं आपको नो सूनर डिड भी यूज करते हुए दिखाऊंगा जो ही एज सून एज तूबा इज अ सब्जेक्ट एंड अ नाउन यहां आ पहुंची तो यहां पर फिर क्या है एक बार हम एस सुन एस के साथ यहां पर हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे ठीक है जबकि नो सुनर डिड के साथ यहां पर हम आफुंची क्या फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे ठीक है और जब हम नो सुनर डिड यूज करेंगे तो आगे फिर सेकंड पोर्शन ऑफ द सेंटेंस में हम दिन का लफ्ज भी यूज करेंगे साथ में दिन का भी हमने लफ्ज यूज करना है ठीक है ना तो देखिए इधर थोड़ा सा आपको जरा तफसील यहां पर बता दूं देखिए फरसिया हम यूज करते हैं एज सून एज तो आने वाला जो वर्ब है उसका हम यूज करेंगे सेकंड फॉर्म ठीक है ये याद रखिएगा और अगर हम इसकी जगह यूज करेंगे नो सूनर
डेट, ठीक है। तो आने वाला जो वर्ब है उसका हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म, समझ आ रही है बात की? अच्छा, और इसके बाद जो यानी यहां से आगे जो हमारे साथ जुमले का दूसरा हिस्सा रहेगा वहां पर हम देन का लफ्ज भी यूज करेंगे। देन का लफ्ज मस्ट है नू सुनर डेट के साथ। जब हम नू सुनर डेट यूज करेंगे तो साथ में आने वाले पोर्शन में देन का लफ्ज हमने जरूर यूज करना है। और यहां पर फॉर्म जो हमने वर्ब का यूज करना है वो हमने फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होगी, प्रेजेंट फॉर्म यूज करनी होगी। और एस सुन एस के साथ हमने पास्ट फॉर्म यूज करना होगा यानी सेकंड फॉर्म यूज करनी होगी। समझ गए यहां तक? ये सिंपल सिंपल वेरी बहुत ईजी है, मिसालों से आप इंशाल्लाह आपको इत्मीनान हो जाएगा कि कितना आसान है। वैसे जब हम इसका तरीका और फार्मूला बता रहे होते हैं थोड़ा सा मुश्किल लगता है व्यूअर्स को, लेकिन बेसिकली है ये बहुत आसान, बहुत आसान है। जो ही तूबा यहां आफोंची तो मुझे इत्मीनान हो गया। एज सून एज तूबा अराइव्ड, अराइव्ड, अराइव फर्स्ट फॉर्म, अराइव्ड सेकंड फॉर्म, तो मुझे इत्मीनान हो गया। आई आई गॉट, फिर सेकंड फॉर्म, गेट फर्स्ट फॉर्म, गॉट सेकंड फॉर्म। आई गॉट सेटिस्फेक्शन, आई गॉट सेटिस्फेक्शन। अच्छा, अब गॉट को भी निकाल ले, सिंपल यूज करें। आई सेटिस्फाइड, सेकंड फॉर्म ऑफ सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फाई, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई, सेटिस्फाइड, सेकंड फॉर्म। सो एज सून एज तूबा अराइव्ड आई सेटिस्फाइड। अब देखिए इसी जुमले में सेम जुमले को अब नू सूनर डिड के साथ हम यूज चेंज करेंगे। आप देखिए फर्क को देखिए, नो सुनर डेट तूबा एराइव, एराइव सेकंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म, नो सुनर डेट, क्योंकि डेट का लफ्ज यूज हुआ साथ में। और जब हम डेट यूज करते हैं तो देखिए ये फास्ट इंडिपेंडेंट का कानून है कि जहां हम डेट यूज करेंगे वहां हम फर्स्ट फॉर्म द वर्ब यूज करेंगे। तो नो सुनर डेट तूबा एराइव, एराइव No sooner dead, tuba arrive. तो अब I से पहले हमने क्या लगा रहे? Then, then लगा रहे। Then I satisfied. Dear students, जो ही उसने शेर को देखा वो दरख्त पे चढ़ गया। अब इसमें हम एक बार S सुन S के साथ, दूसरी बार no sooner dead के साथ। Dear viewers, जो ही देखिए इधर इस सेंटेंस को, as soon as, जो ही के मानों के लिए हमने यूज कर दिया as soon as, उसने शेर को देखा, उसने ही और देखा फास्ट इंडिफिनाइट, ही देखा सेकंड फॉर्म यूज करेंगे देखने का। as soon as he saw, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, as soon as he saw, फिर शेर को देखा the lion, as soon as he saw the lion, ठीक है। जुमले का एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहां पे। एज सून एज ही सॉ द लायन, वो दरख्त पे चढ़ गया, फिर पास्ट इंडिफिनाइट है, वो दरख्त पे चढ़ गया। सो देखिए इधर ही, और चढ़ने के लिए हम क्लेम भी यूज करेंगे, यहां सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे क्लेम। एज सून एज ही सॉ द लायन, ही क्लेम्ड ऊपर, सो अप, ही क्लेम्ड अप अ ट्री, वो एक दरख्त पे चढ़ गया। देखिए as soon as he saw a lion he climbed up a tree, एक बार हमने as soon as के साथ, देखिएगा प्लीज नोट करने की बात है, as soon as के साथ हमने ही की बात, सब्जेक्ट की बात, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर दिया। समझने की बात है प्लीज। यहां पर फिर ही के साथ हमने climbed सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर दिया। अब आइए no sooner did, no sooner did के साथ हम किस तरह करेंगे? No sooner did में हम देखिए इधर शुरू में देखिएगा, जो ही के मानों के लिए नो सुनर डेड, डेड हमने सेकंड फॉर्म यहां पर क्या यूज किया, डेड, नो सुनर डेड, फिर ही, देखिए वही जुमला है, सेम सेंटेंस है, बस इस सा से हम सी बनाएंगे, नो सुनर डेड, उसके बाद ही, फिर सी। ये सी क्यों यूज किया हमने, फर्स्ट फॉर्म उधर क्यों, देखिए यहां पर हमने सेकंड फॉर्म क्यों यूज कर दिया, यहां पर हमने फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज कर दिया, इसलिए कि यहां पर एक बार डेड यूज हुआ। नो सुनर डेड ही सी द लाइन, No sooner did he see
लाइन जो ही उसने शेर को देगा। अब तरीका क्या है, मैंने आपको शुरू में बता दिया। यहां पर क्या करेंगे, अब यहां सेकंड जो हमारा पोर्शन है ये वाला, ही क्लाइम्ड अप अ ट्री, इस ही से पहले यहां पर क्या करेंगे, देन लगाएंगे, देन ही, और फिर सेकंड पार्ट ऑफ द वर्ब यहां पर ये वर्ब का ये वाला जो पार्ट है ये उधर भी सेकंड पार्ट यूज होगा, यहां भी सेकंड पार्ट यूज होगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। देन ही क्लाइम्ड ऑफ अ ट्री, समझ गए ना, ये पोर्शन बिल्कुल सेम है, बस सिर्फ एक चीज कि यहां पर हमने दिन का इजाफा कर दिया, दिन ही क्लाइम्ड अप अ ट्री। सो नो सूनर डिड में हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और साथ में दूसरे पोर्शन में सब्जेक्ट से पहले दिन का इजाफा करेंगे, बस यही समझने की बात है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जो ही वो हम घर पहुंचे वो चल दिए, एज सून एज वी रीच्ड एट होम, एज सून एज वी रीच्ड एट होम दे वेंट, या दे लेफ्ट दे वेंट, एज सून एज वी रीच्ड एट होम दे लेफ्ट। अब आइए नो सूनर डेड के साथ, नो सूनर डेड वी रीच एट होम, फर्स्ट वर्ब रीच, नो सूनर डेड we reach at home then they left then they went, then उसके बाद they उसके बाद went या left दोनों आप यूज कर सकते हैं। no sooner did we reach at home then they went, जो ही वो आता है मैं उसे इज्जत देता हूं। डियर फ्रेंड्स ये जुमला बिल्कुल पहले वाले जुमलों से मुख्तलिफ है, वेरी डिफरेंट, वो पास्ट इंडेफिनाइट में थे, ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट में है। जो ही वो आता है प्रेजेंट इंडेफिनाइट, मैं उसे इज्जत देता हूं प्रेजेंट इंडेफिनाइट। अब यहां पे हमने क्या करना है, यहां पे हमने जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट का कायदा कानून है उसी कायदे कानून के मुताबिक हम इन जुमलों को यूज करते हैं। जो ही वो आता है मैं उसे इज्जत देता हूं, जो ही वो आता है, एज सून एज ही कम्स, देखिए ही साथ में कम, कम के साथ एस का इजाफा कर दिया, क्यों कर दिया, एज सून एज ही कम्स, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट है और प्रेजेंट इंडेफिनाइट में हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के हमारे जो प्रोनाउंस होते हैं ही शी इट और सिंगुलर नाउन, इनमें से अगर कोई सब्जेक्ट में आ जाए, बतौर सब्जेक्ट ही हो या शी हो या कोई नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो या एट हो, तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करते। सो लुक एट दैट, एज सून एज ही कम्स मैं उसे इज्जत देता हूं, ये फिर हमारे साथ क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है, आई मैं उसे इज्जत देता हूं, तो आई चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, ये बाकी मंद जो हमारे रिमेनिंग प्रोनाउंस है उनमें से है, इसलिए हम यहां पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं करते बल्कि सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। सो देखिएगा, आई मैं उसे इज्जत देता हूं, आई रिस्पेक्ट हिम, एज सून एज ही कम्स, एज सून एज ही कम्स आई रिस्पेक्ट हिम, आई रिस्पेक्ट हिम, आप यू भी कहो, एज सून एज ही कम्स आई पे हिम रिस्पेक्ट, आई पे हिम रिस्पेक्ट, मुख्तलिफ अंदाजों से आप यूज कर सकते, अंडरस्टैंड। सो डियर फ्रेंड्स ये था हमारा जो ही वाला लफ्ज, जो ही वाले लफ्ज पे हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, बहुत सारे अपने लैंग्वेज को खूबसूरत अंदाज में हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ गई होगी, अगर पसंद आ गई है तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नहीं है वो आज हमारे क्लास में, सो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए।